हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। मायसेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। टुडे आई ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉन एज प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। हाउ विल यू प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयर द एस्प्रिन। एस्प्रिन इज अ कंपाउंड विच कैन रिड्यूस द आई थिंक पेन एंड एज वेल एज इट ऑल्सो रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। सो दैट्स वाई एस्प्रिन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल सिनेरियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सो हाउ एस्प्रिन इज फॉर्म्ड, एज वी नो दैट कि वी आर स्टडिंग फिनॉल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ फिनॉल एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ द कोलबी रिएक्शन। अर्लियर आई हैव डिस्कस इन माई वीडियो ऑन क्वांटम क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन, फर्स्ट वी change phenol into salicylic acid. So after the preparation of salicylic acid, we will see that another step. So for the preparation of salicylic acid, what we have to do, first of all we have to take a phenol, and this phenol react with sodium hydroxide and it become a sodium phenoxide. This sodium phenoxide again react with carbon dioxide at 7 atmospheric pressure as well as at 400 Kelvin. So we get a OCOONa. After rearrangement we will get this one compound, this is the salicylic acid. So after rearrangement we get a salicylic acid. So this salicylic acid whenever react with acetic anhydride, we got a aspirin. So this one compound is called a aspirin. Understand that this is a aspirin, ASPRIN. Okay, अच्छा, अब ये तो आपका एक छोटी सी रिएक्शन थी। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। यही सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा 400 केल्विन पर, तो बनेगा OCOONa। इसका रीअरेंजमेंट होगा, जैसे ही रीअरेंजमेंट होगा तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। यही सैलिसिलिक एसिड एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगी एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन बनाने के लिए हमें फिनॉल लेना पड़ता है। फिनॉल के OH पर है ना, सैलिसिलिक एसिड के OH पर CH3CO का वोल्टेज O की रिएक्शन होती है, इसे हम एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, और बनता है एक बाई प्रोडक्ट दैट इज नॉन एज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये बनाने का मेथड था एस्प्रिन का। इसी केमिकल रिएक्शन में, इसी वीडियो में एक और रिएक्शन हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, तो फिर बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा। तो वो रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस फ्राई रीअरेंजमेंट की भी एक विशेषता क्या है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन, ये आपका फिनॉल है ना, ये फिनॉल आपका रिएक्ट करेगा, फिनॉल PHENOL रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये आपका OCOCH3 बनेगा। ठीक है, ये आपका ईस्टर बन गया है ना। अब जब ये OCOCH3 बन रहा है और आपका CH3COOH बन रहा है, तो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। किसके साथ कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। जैसे ही एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एक बनेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में फिनॉल से हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एस्प्रिन कैसे बनाना है और फ्राइज रीअरेंजमेंट से है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल कैसे बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, अदरवाइज यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, योर रिलेटिव्स, योर यंगर्स, एल्डर्स एटसेट्रा।
This is beneficial, fruitful for the all the students which are going to appearing in NEET and IIT JEE examination. Thank you so much. Have a nice day.